रशिया ने यूक्रेन इन्वेजन की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया के रूप में नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के माध्यम से यूरोप को नेचुरल गैस की आपूर्ति में कटौती करने की धमकी दी। एक ऐसा कदम जो एनर्जी मार्केट में उथल पुथल को बढ़ा सकता है और कंज्यूमर प्राइस को और भी अधिक बढ़ा सकता है। इस पर रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, रशिया हैज द राइट टू टेक एक्शन दैट मिरर द पेनाल्टीज इम्पोज्ड ऑन द रशियन इकोनॉमी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक, हु इज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ एनर्जी अफेयर्स, सेड इन अ टेलीविजन स्पीच लास्ट मंडे। उन्होंने कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 को बंद करने का कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है और पाइपलाइन वर्तमान में अपनी पूरी क्षमता से चल रही है। यह कमेंट रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उस वक्त आया जब यूरोपियन गैस मार्केट में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिला। रूस से आपूर्ति में कमी या बंद के डर के बीच कीमतों में लगभग 80% तक की वृद्धि हुई है। पिछले महीने बर्लिन ने $11 बिलियन की नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना को स्थगित कर दिया और यूरोपियन संघ के अधिकारियों का कहना है कि वह एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जो इस साल रशिया से एनर्जी की इम्पोर्ट जरूरतों को लगभग 80% तक कम कर देगी। लेकिन कई यूरोपियन संघ के राजनेता तत्काल कार्रवाई से सहमत नहीं है। इसका एक कारण यह है कि जर्मनी ने तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्तावों के खिलाफ जोर दिया है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने सोमवार को कहा कि यूरोपियन अर्थव्यवस्था के लिए रूसी तेल और गैस आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। यूरोपियन संघ के गैस आयात का लगभग 40% और इसका 1/4 तेल रूस से आता है। नोवाक ने कहा, यदि अमेरिका और यूरोपियन संघ रशियन आयात पर प्रतिबंध लगाते हैं तो रशिया के पास अपना तेल बेचने के लिए अन्य विकल्प है और उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के किसी भी कदम से वैश्विक बाजार के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं और कीमतें $100 प्रति बैरल या उससे अधिक तक बढ़ सकती है।